हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह आए थे हम लोग नदी किनारे लकड़ी लेने के लिए। सूखा हुआ लकड़ी ये देखिए इधर लोडिंग कर लिए हैं गाड़ी में और ले करके जा रहे हैं, क्योंकि आज सूखे लकड़ी का काम है ना, तो ले करके जा रहे हैं अभी जंगल में है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। तो गाइस आ गए घर में और लकड़ी को पटक दिए हैं वहाँ पर, अभी लकड़ी को फाड़ेंगे। आज क्या है, आज शंकर के घर में जीवित पुत्री क्या है ना, तो इसी के लिए तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहना, दिखाएंगे आप लोगों को जीवित पुत्री क्या कैसे होता है गांव में। तो चलिए अभी चलते हैं ब्रश व्रश करने के लिए। तो गाइस अभी 12 बजने को चला और इन लोग को ना अभी तैयार व्यार करके घर से हटा रहा हूँ, क्योंकि परेशान हो गए हैं हम लोग दोनों भाई। और आज हम लोग क्या है कि इन लोग को घर से हटा रहे हैं, उधर देखिए उधर भाभी जा रही है, उनको भी हटा रहे हैं घर से बाहर, अब इसको भी हटा रहे हैं घर से बाहर। परेशान हो गए हैं दोनों से, आज रस्सियां लाएंगे घर में दोनों भाई। इनका ये देख कुत्ता सुता सब हटा रहे हैं घर से है। तो इन लोग को अभी वहाँ पर क्या है, बस चढ़ेंगे और निकल लेना तुम लोग, ठीक है? बस चढ़ के निकल लेना, दोबारा मत आना, चलो जाओ, दोबारा मत आना हमारे घर में, हम लोग दोनों भाई परेशान हो गए हैं। चलिए अब चिल करेंगे घर में, एंजॉय। जा रहे हैं हम लोग जयनगर चाचा के यहाँ, जीवित पुत्री का था तो बुलाए थे, तो जा रहे हैं दोनों बस में, यहीं पर पास में है इसीलिए बस से इन लोग को निपटा रहे हैं। तो चैन से थोड़ी सी घर में रहेंगे। छोटू भाई अभी आए हैं, नहा रहे हैं अभी, इसके बाद तीनों भाई मौज करेंगे। तो गाइस मेरी वाइफ लोग को रोड के पास पहुंचा दिया और बस का वेट कर रहे हैं, और अभी हम लोग सुखरी जा रहे हैं। तो अभी सुखरी मतलब पहुंच गए हैं दूसरे वाले रास्ते से, कुछ कुछ सामान लेने आए हैं इन लोग के लिए। अरे देखिए रास्ता, खेत वाला रास्ता से आ रहे हैं हम लोग, सुखरी जा रहे हैं, ये देखिए कितना गंदा रास्ता। अभी सुखरी चचा लोग के घर में हम लोग आए हैं क्या लेने के लिए, डम्हा, क्योंकि क्या है ना कल के बाद परसों बनेगा बड़ा सब्जी खट्टा वाला। तो ये देखिए इधर कुआं है और इधर फला है डम्हा, एकदम खट्टा, ये देखो। चलो जी तोड़ो तो पका पका हुआ को, ये देखिए गाइस तोड़ लिए हैं, आधा और रखा है आधा मैं। अब चलिए चलते हैं बाजार के पास, वहाँ पर काम है थोड़ा सा, कुछ कुछ सामान वगैरह लेना है। तो गाइस सुखरी से आ गए हम लोग सामान वामान लेकर के वापस, और अब जा रहा हूँ बर्तन वर्तन धोने के लिए, क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं। आप लोग यही सोच रहे होंगे आप लोग, और आप यही सोच रहे होंगे कि लोग तो जा रहे थे फिर घर पे कैसे, रसीन वाले बात के चक्कर में चले रुक गए। क्या क्या वाले रसीन के चक्कर में? हाँ इसीलिए रुक गए। क्यों नहीं गई? मुझसे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है इसीलिए। तो बताऊं क्यों नहीं गए? फूटी किस्मत। क्या फूटी किस्मत? बस ही नहीं आया। हाँ चलो, तो अब कोई काम मेरे को नहीं करना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था कि बर्तन धोना पड़ेगा अभी मेरे को, लेकिन बस ही नहीं आया इन लोग का। बेटे को देखिए कितना खुश है, डांस कर रहा है, डांस करके दिखा दे। कैसे डांस करते हैं गुलशन गब्बर? डांस करके। तो गाइस से कपड़ा वपड़ा पूरा चेंज कर ली थी, जाने का मूड भी बदल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों है फिर से गुस्सा करने लगे कि मधु दीदी डांट रही है, चलो वहाँ ऐसे करके ले करके चलो। तो जल्दी बाजी में एकदम नहाया और नहा धो करके अभी जा रहे हैं जयनगर, और शाम तक वापस आ जाएंगे। और बस नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, भाभी लोग नहीं जा रहे हैं बस इसको लेकर के जा रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाइस पहुँच गए जयनगर चाचा के घर में, और अभी आंगन में बैठे हुए हैं। इसको ले, क्या पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है बेटा? मत, अच्छा छोड़ दो उसको, मछली पकड़ रहा है। हाँ दिखा दे मछली, दिखा इधर मछली दिखा। ये देखिए इधर मछली पकड़ रहा है मेरा बेटू, और इधर देख रहे हैं।
हो गया, चल छोड़ो, हो गया ना, जल्दी खा लीजिए। तीन ठो है बस, तीन ही तो दे रहे हैं। क्या है तो तो गाइस अब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और इधर मेरी वाइफ और इधर मैं। इसके बाद खाना खाते हैं, इसके बाद चलेंगे घर क्योंकि अभी शाम का समय होता जा रहा है। तो ये आ गया है खाना और इधर बुक्कर के लिए। बदमाशी, बदमाशी करेगा, बदमाशी। ये देखिए बड़ा सब्जी भाभी बनाई है इसको। आप बनाए हैं? तीखा ज्यादा हो गया है। हाँ मैं नहीं, नहीं मेरे को तीखा ही पसंद है। और गाइस अब हमारा चल रहा है घर जाने का तैयारी। ये देखिए गली में अरे थोड़ा कहाँ है ना, बगल में चाचा लोग के यहाँ भी जीवतिया है तो इसीलिए जाना पड़ रहा है। चलो तो गाइस अभी रात का समय हो चुका है, 9 बज रहा है और अभी जा रहे हैं, अब किस्सा कहानी स्टार्ट होने वाला है। तो सबको बुलाने आए थे इधर। और ये देखिए भाभी लोग, चलिए भाभी चलिए वहाँ कहानी सुनने के लिए बुला रहे हैं। तो ठीक है आइएगा। तो गाइस आ गए हैं इस साइड बाड़ी साइड और इधर ये देखिए कहानी सुनने के लिए आए हैं। ये देखिए बैठे हैं इधर गली में सारे लड़के लोग, क्या क्या कर रहे हो यार। अरे अरे बाबा जी कैसे कैसे, अरे बाबा बाबा, अरे बाबा ठीक है ना, बाबा बम बम। तो ये देखिए कि कहानी सुनने के लिए आए हैं इधर चाचा हमारे केसीओ मास्टर, अरे हमारे राजा। कैसे भैया? हाँ भैया कैसे, बताइए ठीक है? कहाँ कहाँ रहते हैं अभी पता नहीं चलता है। मैं तो रहता हूँ बस राजापुर से अंबिकापुर। हाँ तो अभी ये देखिए सब लोग यहाँ पर मंत्री के इंतजार कर रहे हैं कहानी सुनने के लिए। तो गाइस जीवित पुत्रिका में ना आंगन में डार गाड़ते हैं, तो ये देखिए अभी चाचा डार गाड़ रहे हैं आंगन में। इसके बाद कहानी वाला कार्यक्रम स्टार्ट होगा यहाँ पर। और इधर चाचा माइक वाइक जोड़ रहे हैं ये देखिए, और आ करके बैठ रहे हैं धीरे धीरे कहानी सुनने वाले। तो गाइस ये देखिए अभी कहानी स्टार्ट हो गया है और आंगन में जितने भी लेडीज बैठे हैं वो लोग उपवास हैं, तो वही लोग कहानी सुन रहे हैं। ये देखिए जाई जगाते हैं तो उसको रखे हुए हैं और नीचे वहाँ पर, और इधर कहानी चल रहा है। ये देखिए हमारे गांव के बुजुर्ग लोग सभी आए हैं बैठे हुए यहाँ पर। ये देखिए इधर तो गाइस कहानी समाप्त हो गया और ये देखिए इधर दादाजी लोग अभी प्रसाद बांट रहे हैं। ये देखिए कहानी खत्म और अभी सभी को प्रसाद मिल रहा है और उधर आंगन में भी बैठे हैं। और गाइस प्रसाद वगैरह खाने के बाद इधर ये देखिए कीर्तन मंडली स्टार्ट हो गया है, अभी कीर्तन चल रहा है। और गाइस अब रात में ये देखिए कर्मा स्टार्ट हो गया है, तो मादर वगैरह और ये देखिए कुछ कुछ रख करके कर्मा खेल रहे हैं, नाच रहे हैं आंगन में। तो गाइस ये देखिए कर्मा खेलते खेलते सुबह कर दिए और अब क्या है कि सुबह हो गया है तो अभी क्या होगा कि नदी में लेकर के जाएंगे उस डार को सराहने के लिए। और यहाँ कर्मा चल ही रहा है तो ये देखिए अभी डार को उखाड़ रहे हैं ये देखिए, और कुछ कुछ पूजा वगैरह करेंगे नदी में जा करके। तो चाची उठा करके ले करके जा रही हैं ये देखिए।